हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दिलीप कुमार यादव आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है दोस्तों आज बिहार के जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ है तो शिफ्ट फर्स्ट में सेट ए तो सेट ए का जो हम आंसर की लेके आए हैं तो इससे रिलेटेड यानी कि आप सेट बी सी डी और ई यानी सभी सेट के आप यानी कि क्वेश्चन तो सेम है लेकिन उनके ऑप्शन थोड़ी अलग अलग मिस कर दिया है तो उन ऑप्शन के हिसाब से आप उनको मिलान कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एनालिस करते हैं देखते हैं किसके कितने नंबर आए हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेपिड फायर में यानी कि जल्द से जल्द क्यों क्योंकि आपका समय ज्यादा ना लिया जाए ठीक तो अगर देखिए अगर ऐसा कोई एक्स का मान यानी कि ज्ञात करने के लिए आया था तो उसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर दूसरा था यानी कि एक ठोस गोले की त्रिज्या तीन सेंटीमीटर और इसे चार्ज मिलीमीटर व्यास का एक कितना लंबा तार खींचा जा सकता है तो दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या नौ मीटर तीसरा है एक फर्नीचर विक्रेता तीस कुर्सियों के बेचने के लिए तो इसका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं और बात करें चौथे का आंसर तो चौथे का आंसर हो जाएगा क्या सी अगला है पांचवा तो पांचवें का आंसर भी क्या होगा सी यानी तीसरा आंसर होगा इसका छठवे का तो छठे का आंसर हो जाएगा क्या तो छठवी का आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक बात करें सातवां तो सातवा का यानी कि बहुपद से रिलेटेड तो बहुपद से रिलेटेड जो सातवां क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा एक्स माइनस टू आठवां है एक खिलौना शंकु का तो शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन था तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा ए बात करें नौवे की तो नौवे का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या तो नौवे का आंसर हो जाएगा सी चार दसवें का आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा चार वर्ष मैं देखो आंसर के यानी ऑप्शन इसलिए बताते जा रहा हूं क्योंकि किसी यानी ने सेट बी e, सेट में यानी कि ऑप्शन ही चेंज कर दिया है तो इसलिए मैं यानी कि आंसर बताते जा रहा हूं जिससे आप लोग सही मिलान कर पाओ ठीक तो बात करें ग्यारह तो ग्यारह का आंसर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं बारह तो बारह का राइट आंसर क्या होगा तो बारह का राइट आंसर होगा सी पैंतालीस डिग्री देखो स्क्रीन शॉट और ये जल्दी जल्द में इसलिए तो आप लोग इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी कहां ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस तो यानी कि विथ आंसर ये पीडीएफ आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे भी हम ये टेलीग्राम चैनल के लिंक दे देंगे तो वहां से पहुंच जाइएगा तो वहां से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके मिलान कर लीजिएगा ठीक 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 और अभी देखते चलिएगा कि क्या 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 होता है ठीक? तो क्या आंसर है जल जल, ठीक? तो तो आंसर फायर यानी जल्द जल्द से चलिए देखिए पंद्रह तेरहवें नंबर से तो तेरह का आंसर क्या आ जाएगा तो इसका हो जाएगा उन्नीस सौ इक्यावन रुपए चौदह का तो चौदह का आंसर जो है वह क्या जाएगा तो चौदह का आंसर क्या हो जाएगा तो सी यानी तीन पंद्रह का तो लॉग से रिलेटेड तो जो पंद्रह का आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा सोलह की बात करें तो सोलह का आंसर क्या हो जाएगा सी दस और सोलह नंबर सत्रह तो सत्रह को हो जाएगा वोल्ट मीटर अठारह को हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और अगला है उन्नीस एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार से तो यानी कि खड़े होने की स्थिति में वह धकेल सकेगा अधिक से अधिक और सबसे अधिक कौन सा अधिक परिवर्तित रंग होने वाला है तो वह है बैगनी और कल पूछ सकता है सबसे कम तो कम होगा लाल ठीक अगली बात करें इक्कीस का तो इक्कीस का राइट आंसर हो जाएगा ए उठेगी अगला है बाईस तो सबसे पीएच इनमें से सबसे अधिक पीएच किसका होता है तो रक्त प्लाज्मा का क्वेश्चन नंबर तेईस तो एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है पच्चीस सेंटीमीटर अगला है चौबीस तो चौबीस का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड पच्चीस है तो माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं पच्चीस छब्बीस है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए कि एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर रखना चाहिए फिर लोहे के बुरादे और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन होता है ठीक अगला क्वेश्चन की बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि तो वन रोपण है अगला है खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिंक की परत चढ़ी होती है क्योंकि क्योंकि क्या होता है टिम की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है अगला है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है तो यानी कि इन यानी कि ऑप्शनों से यानी कि कई कार्य किए जाते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक अगला है इमली में कौन सा अम्ल तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल कोलीफॉर्म क्या होते हैं तो कोलीफॉर्म जो होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियो का समूह पाया जा कहलाता है और यह प्राणियों के पाचन नाल मतलब यानी कि ये आंत में भी पाया जाता है ठीक अगला क्वेश्चन अगला है कि भारतीय के संसद के नए नए भवन के प्रभारी किसको कि, किया गया है तो पद्मश्री विमल पटेल को अगला है कि केवल संविधान सभा में तो सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था तो बीस से पच्चीस प्रतिशत ठीक अगला पैंतीस तो कौन सा राज्य है ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी दर्जा देने वाला तो तमिलनाडु है अगला है छब्बीस तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन इब्ने बतूता आए थे किस देश से तो मोरक्को से और केवल स्टेरेल पुल कहाँ बनाया गया है तो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में ठीक अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर तो कहाँ स्थापित किया जाएगा तो गुजरात में अगला है उनतालीस की चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था तो वह थे एच एस पोलक बी आंसर और इसमें क्या हो जाएगा कि आई टू यू टू ग्रुपिंग का सदस्य कौन है तो चालीस का आंसर क्या हो जाएगा तो चालीस का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सत्रह मार्च तो इसका क्या हो जाएगा तो किसको दिया गया था गिरफ्तारी वारंट तो रूसी राष्ट्रपति वालिमिर पुतिन को दिया गया था जारी किया गया था अगला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बयालीस का हो जाएगा ए पाकुआ न्यूगिनी अगला है रावन विल्सन किस शहर के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे तो तिरालीस का आंसर हो जाएगा बी शिकागो चवालीस का आंसर है तो चवालीस का आंसर क्या हो जाएगा बी यूएसए बात करें पैतालीस के तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दो हजार तेईस किसे दिया गया है तो यह दिया है किसको इसको जॉर्जी घोस्पो डिनोव को अगला है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है तो यह है लिंडा है ठीक छियालीस अब बात करें किस की दो, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता कितनी है तो वह इंक्यावन दशमलव पांच लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं अगला है अड़तालीस सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वह जानी जाती हैं तो पेपर में सी कलाकार के रूप में अगला है उनचास तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करती हैं तो वह करती हैं किसकी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि वो तो दो से यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से तो दो के उसपे करती हैं ठीक अगला बात करें पचासवें की तो किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है तो बात करें हम किसकी पचास की तो की जाती है किसकी खीरे यानी कि खीरा तरबूज तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ठीक अगला है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इंकामन का क्या हो जाएगा बी अगला है बामन तो बामन का क्या होगा तो बामन का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में है तो यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है अगला है आकार और माप के समान में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है तो त्रेपन का क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा मंगल को ठीक अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है तो चौवन का क्या हो जाएगा वेनेजुएला बात करिए पचपन की तो विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम तो पचपन का राइट आंसर क्या आ जाएगा छोमंडलतापमंडल मध्य मंडल तापमंडल और बहिर्मंडल छप्पन की स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युगम है तो छप्पन का क्या होगा राइट आंसर तो इसका होगा क्या मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे संतावन ग्रीनविच में दोपहर के बारह बजे हैं तो ग्रीनविच के थर्टी डिग्री पूर्व में क्या समय होगा तो संतावन का राइट आंसर जाएगा दोपहर दो बजे दो अगला है कि महासागरी परपटी पर, के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो अंठावन का क्या हो जाएगा सिल्का और मैग्नीशियम निम्नलिखित में कौन सा मालिंच शब्द की व्याख्या करता है तो उनसठ का हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना साठ है तो भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थितियों का सही उगम क्या होगा तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक अगला है इकसठ नंबर की जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में ब्रह्म मंत्री कौन थे श्रम मंत्री। तो का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जगजीवन राम जी थे अगला है बासठ की चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था तो कब हुआ था तो बासठ का आंसर होगा क्या मई में अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है तो जो तिरसठ का आंसर होगा वह क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं ठीक अगला चौसठ कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के न, कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था तो चौंसठ का राइट आंसर हो जाएगा संथाल अगला है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही युग सही सुमेलित नहीं है तो पैंसठ का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है ठीक अगला है छियासठ तो यानी कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी तो छठवें का ऑप्शन है सी जवाहरलाल नेहरू अगला है सड़सठ कि महात्मा गांधी एट बिहार सम रेमिन पुस्तक के लेखक कौन थे तो सड़सठ का आंसर क्या हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अगला है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था तो अड़सठ का हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन उन्हत्तर का कि वह महिला महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी तो उनहत्तर का हो जाएगा सी विष्णु देवी सा सत्तर तो सत्तर का राइट आंसर क्या जाएगा तो सत्तर का हो जाएगा सी नागपुर अगला है इकहत्तर हुंकार हिंदी साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित थे तो इकहत्तर का राइट आंसर हो जाएगा क्या सी सहजानंद सरस्वती बहत्तर किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई जो विद्राहियों में एकमात्र मर्द थी तो बहत्तर का राइट आंसर होगा ह्यूज रोज ठीक अगला तिहत्तर तो इसका जो अगर सही मिलान किया जाए तो तिहत्तर का क्या होगा कि जो गरीबी हटाओ है इंदिरा कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ तो जनता दल जोतने वाले को भूमि तो मुर्च, वाम वाम मोर्च या तेलगुओं के स्वाभिमान तो एंटी रामवान तो इसका आंसर दो तीन एक चार तो राइट आंसर क्या होगा बी नंबर चौहत्तर तो चौहत्तर का राइट आंसर क्या है सी द कॉमेंटन पचहत्तर किसने अपनी किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है तो पचहत्तर का राइट आंसर क्या होगा ए दीनदयाल उपाध्याय छिहत्तर तो छिहत्तर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है डी उपयुक्त में से एक से अधिक सतहत्तर तो नंबर नम्ब... नंबर का आंसर क्या है ए स्पिरिट ऑफ द लॉज अठहत्तर अठहत्तरवे नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी यानी तो उपयुक्त तो में से एक से अधिक उन्यासी नंबर की बात की जाए तो उन्यासी नंबर की बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्सी नंबर तो अस्सी नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है सी बारदोली सत्याग्रह गुजरात इक्यासी की तो इक्यासी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक बयासी, बयासी का आंसर हो जाएगा क्या ई e, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं तिरासी का राइट आंसर क्या होना चाहिए तो तिरासी का भी होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं बात करें चौरासी नंबर की तो चौरासीवें का आंसर क्या होगा तो चौरासी का हो जाएगा ए यानी कि जो विशेष विवाह अधिनियम है वह किससे संबंधित है उन्नीस यानी कि किस वर्ष हुआ था तो उन्नीस दहेज निषेध अधिनियम तो यह था उन्नीस समान पारिश्रिक अधिनियम तो था उन्नीस था 1976 और जो नारी असिस्ट प्रतिनिधित्व था तो वह हुआ था उन्नीस तो अपना राइट आंसर ए नंबर पचासी का तो पचासी का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पचासी का हो जाएगा बीस स्वतंत्रता और समानता का अधिकार बात करें छियासी तो छियासी का राइट आंसर क्या होगा तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं सतासी तो सतासी का राइट आंसर क्या जाएगा बी देश की एकता एवं अखंडता और अठासी की बात करें तो अठासी का राइट आंसर क्या हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं और नवासी की बात करें तो नवासी का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर फास्फोरस चक्र जै भू रासायनिक चक्र नहीं है क्योंकि जो ऑक्सीजन चक्र हो गए नाइट्रोजन चक्र कार्बन चक्र ये सभी कैसे हैं भू रासायनिक लेकिन जो फास्फोरस है भू रासायनिक चक्र नहीं होता है बात करें नब्बे की तो नब्बे का आंसर क्या हो जाएगा बी कुछ भी जीवाणु उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दर्द है तो इनबे का आंसर क्या हो जाएगा बी पारावैग्निक विकिरण तो बानवे का प्रत्येक पोषी स्तर और गैर अवगठनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है तो बानवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए जैविक आवर्धन अगला है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो किसके द्वारा सीमित संसाधन के द्वारा अगला है मैथमोग्लोबेनिमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है तो किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है तो नाइट्रेट क्या होता है कि जब हम नाइट्रेट का पानी यानी कि अधिक मात्रा में पी लेते हैं तो इससे एक और बीमारी होती है क्या बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बन भी सकता है ठीक ब्लू बेबी सिंड्रोम अगला क्वेश्चन की परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 95 फाइव का आंसर क्या जाएगा बी एक दिशी अगला निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र संगठक है तो बात करें छियानवे की तो इसका आंसर क्या होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक 97 तो कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है तो कौन सी गैस होती है मीथेन कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है तो जंगल में कौन करता है तो पादप हो गए हिरण हो गए शेर अगला है पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा तो नाइनटी नाइन का हो जाएगा ई e, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं प्लास्टिक को क्यों प्लास्टिक तो विघटित होता ही नहीं है है ना ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं तो हंड्रेड का आंसर क्या हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक बात करें एक सौ एक आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है तो एक सौ एक का राइट आंसर होगा सी आहार जाल हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो 102 का राइट right आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर एक परसेंट अगला नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी तो वह कौन थे सुंदरलाल बहुगुड़ा थे थीक? अगला है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो 104 का राइट right आंसर क्या होगा प्राथमिक उपभोक्ता अगला क्वेश्चन 105 तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था तो आरोही क्रम में कौन हो जाएगा तो एक सौ पांच का राइट आंसर क्या होगा तो इसका हो जाएगा 13, अठारह ये वाला आंसर था सही आ, इसमें पूछे कितने वर्ग हैं? तो एक, इसमें कितने वर्ग दिखाए गए हैं तो एक सौ छह का राइट आंसर हो जाएगा क्या बी यानी तीस तीस वर्ग दिखाई देते हैं ठीक अगला है एक सौ सात तो एक सौ सात का राइट आंसर क्या है सी बाईस अगला है दो संख्याओं का योग चालीस चार सौ अस्सी है तो इसका जो एक सौ आठ का राइट आंसर होगा क्या होगा ई e. उपयुक्त में से कोई नहीं बात करें किसकी सौ नौ की तो एक सौ नौ का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा तो इसका हो जाएगा ई एक सौ दस तो निम्नलिखित श्रेणी में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना तो इसका एक सौ दस तो एक सौ दस का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं अगला रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा तो 111 की बात करें तो 111 में भी क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा बात करें किसकी 112 की तो प्रयागराज के से पटना जाने के पांच मार्ग हैं तो जो 112 का राइट आंसर क्या होगा बी 113 तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हर वर्ग आयत है अगला है एक तो एक सौ चौदह का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी एक सौ पंद्रह की बात करें तो एक सौ पंद्रह का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो एक सौ पंद्रह का हो जाएगा सी चालीस पाई समूह में भिन्न शब्द चुनिए तो पुस्तक कागज पेंसिल पेन रबड़ तो इसमें से क्या हो जाएगा तो भिन्न शब्द कौन सा है तो बात करें हम एक सौ सोलह की तो इसमें कौन सा है पुस्तक ठीक अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर एक तो एक सौ सत्रह का राइट आंसर क्या जाना चाहिए तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सौ अठारह तो एक सौ अठारह का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी दो सौ इकतालीस एक सौ उन्नीस तो एक सौ उन्नीस का राइट आंसर क्या हुआ तो ए एक सौ बीस तो एक सौ बीस का राइट आंसर क्या गया है ई e. तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चनों की होती हुई समाप्ति तो यह क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस देखो दोस्तों यानी कि जो मैंने साइंस की एक हजार प्लस यानी करीब उसमें हमने तेरह क्वेश्चनों का प्रश्न बैंक रखा था तो उससे मैंने आज देखा तो इसमें करीब नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन सेम के सेम एड टू जेड आ गए हैं तो दोस्तों क्यों ना उस सीरीज को यानी कि उस वीडियो को पूरा देख लो आप लोग हैं तो जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो जल्दी से जल्द आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे तो इसकी पीडीएफ उसकी भी जो 1200 क्वेश्चन है तो उसकी भी पीडीएफ वही ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस चैनल में पड़ी हुई है तो कम से कम एक बार एक नजर आप पीडीएफ को मान लीजिएगा और ज्यादा अगर आपके पास समय है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और हम सुबह अभी मिलेंगे आप लोगों को छह बजे तो यानी कि क्या क्या क्वेश्चन अभी बन सकते हैं न तो उसको एनालिस करते हुए है जो आज का पेपर आया है उसको एनालिसिस करते हुए हम छः बजे आप लोगों से सुबह मिलेंगे तो जिनका भी पेपर है कल तो उनसे हम छः बजे मिलेंगे तो चलिए मिलेंगे छः बजे जय हिंद जय भारत धन्यवाद और जिनका कल पेपर है अगले भी दिन है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक लग, लगे रहिए मिलेगी आपको नौकरी एक दिन जरूर धन्यवाद